ओके नाउ स्टूडेंट लेट अस सी, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, बीएससी फर्स्ट ईयर का है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हाइड्रोजन फ्लोराइड का कैसे बनेगा। जनरली हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्लास में पढ़ लिया है कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है, डाई ऑक्सीजन का, डाई नाइट्रोजन का। तो ये क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम्स में आ चुका है और जनरली आ जाता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनेगा तो किस तरीके से बनेगा। तो इस पे कई बार बच्चे ने सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इस पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनना चाहिए और कैसे बनेगा। अगर आप डिमांड करोगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आप देखो, हमें HF बनाना है, दैट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड हमें बनाना है, और उसके पहले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रूल्स को देख के डायग्राम को बनाना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक। तो इसके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, VSC लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, इसका जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 होगा। और फ्लोरिन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और इसमें आप देख सकते हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5 है। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो गई? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2s2, 2p5 हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? LCOA अप्रोच से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली होंगे, एक दूसरे से लीनियर होंगे, तो वो कॉम्बिनेशन करेंगे एक लीनियर एक एक्सिस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और जितने मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक कम एनर्जी वाले बनेंगे, स्टेबल वाले बनेंगे, जिनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एक बनेंगे हाई एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स बोल रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसका मतलब क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं हम कि लीनियरली LCOA अप्रोच को ले रहे हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल LCO के थ्रू, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, और जितने आपस में कंबाइन कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहां पे बनेंगे, जैसा कि हमने डाई ऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन में देखा था। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखेंगे कि कैसे HF के जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, और उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यहाँ हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सीधा अब हम देखते हैं, डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो दूसरी स्लाइड में मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आप देखिए, पहले हम क्या बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा है, एक तरफ यहाँ पर पे हमें डिवाइड कर देती हूँ हमेशा ये बताने के लिए कि इधर एओज हैं और इधर पे भी एओज हैं। तो जैसे आप करते आए हो हमेशा, बीच में क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक। और आपको पता है जब आप ये एक्सिस पे जा रहे हो तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, और जब आप ये लाइन में जा रहे हो एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये हो गया आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो भी आप बोल लो, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे हम किसका देख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम? ऑफ HF, ठीक है, इसका डायग्राम देख रहे हैं। तो अगर इसके डायग्राम को फोकस करें तो फ्लोरीन में, मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया, फ्लोरीन में कितने होते हैं? 1s2, 2s2, 2p5, राइट, 1s2, 2s2, 2p5। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट, ठीक। तो इसको अपन एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से इनका डायग्राम निकल के आएगा। तो यहाँ पर पे आप लिख लेंगे हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और यहाँ आप लिखेंगे फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। तो इस पे फोकस करते हैं। आप शुरू का जानते ही हैं कि पहले कौन से होते हैं? 1s वाले, ठीक। फिर आपका क्या आ रहा है? 2s वाले आ रहे हैं, और फिर कौन से आ रहे हैं? 2p वाले आ रहे हैं, ठीक। और हाइड्रोजन का जो 1s होता है वो यहाँ पे है, ठीक, हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक। इसकी एनर्जी कंपेटिवली ज्यादा है। तो अब यहाँ पर पे आप देखो, 1s के ये इनर शेल के हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही रहेंगे। मैंने कहा है इनके लिए अपन के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इनर शेल है, के रिप्रेजेंट के शेल,
इनर शेल है ना, और फिर आपके आ जाते हैं 2s। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p5, तो 2s में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपके 2p में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन 2p के ऑर्बिटलों को भी मैं एक ही लेवल पे बना देती हूँ, और यहाँ पर पे मैं काउंटिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ पर पे हाइड्रोजन का क्या होगा, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो इसमें आप देखोगे ये वाले तो हो गए आपके इनर, तो इनकी इनसे हमें मतलब नहीं है, जो भी मतलब है इन वैलेंस वाले से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे 2s के सामने कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है हाइड्रोजन में, क्योंकि 1s1 ही इसका कॉन्फिग्रेशन होता है, तो इट इज नॉट अवेलेबल यहाँ पे 2s के साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए। तो इसीलिए 2s के जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो एज इट इज प्रेजेंट होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन, एज अ नॉन बॉन्डिंग। कैसे प्रेजेंट होते हैं, एज अ नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब अगर अपन ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे है px, py और pz, 2px, 2py और 2pz, ठीक। और हमें अच्छे से पता है कि s जब भी p से कंबाइन करता है, और अगर वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो वो 2pz से करेगा, मतलब LCAO अप्रोच, लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा। s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से जो एक्सिस से हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, इससे कॉम्बिनेशन करके क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि एक s और एक pz वाला आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, sp, क्योंकि दो कंबाइन कर रहे हैं, 1s और 1pz, तो दो, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग को हमने सिग्मा sp से दिखाया है, sp z, तो pz लिखने की जगह sp z भी लिख सकते हो, ठीक। और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार sp z की फॉर्मेशन होगी, है ना। तो बेसिकली ये दोनों फॉर्म होते हैं। तो लेट अस सी, ये जो फॉर्म हुए हैं यहाँ पे, एक एंटी बॉन्डिंग फॉर्म हुआ है, तो ये कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक। सो लेट अस सी दैट, पहले सिग्मा, मैंने पहले ही बताया, आप एक एस और एक पीजेड वाला, कौन सा वाला, एक एस वाला और एक पीजेड वाला आपस में कॉम्बिनेशन करेगा। मैं यहां से लाइन आपको समझाने के लिए बनाई हूँ, आपको एग्जाम में वहां से लाइन नहीं बनानी है, आपको लाइन डायरेक्टली कहाँ से बनानी है, सेंटर से, इस तरीके। और ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि कौन से वाले इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। और यहाँ पर पे क्या हो रहा है, फिलिंग में बाद में बता दूंगी, ये दोनों के सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कर गए, और यहाँ पे sp, सिग्मा sp बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ठीक है। ये वाला नॉन बॉन्डिंग है, ये एज इट इज जाएगा, ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, ये सब क्या है आपके नॉर्मल, ये तो इनर वाला है, इसको चाहे आप ड्रॉ करो चाहे ना करो, ठीक। ये वाला नॉन बॉन्डिंग में रहेगा और ये एटॉमिक ऑर्बिटल ही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका सिग्मा और पाई है, ठीक है, जो भी बनते हैं यहाँ पे, ये एज अ एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ मतलब हो गया एज एन एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग के रूप में, ठीक। अब ये 2px 2py जो वाले ऑर्बिटल हैं, ये भी एज इट इज आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे एज इट इज, क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड, पाई ऑर्बिटल एक्स्ट्रा नहीं है, जो 1s1 था वो सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है इनको फर्दर बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग। तो ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होंगे, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल में एज इट इज प्रेजेंट होंगे, ठीक। अब अगर एक सिग्मा sp बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाला, तो डेफिनेटली एक कैसा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, सिग्मा स्टार sp,
ठीक, या SPZ भी लिख सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये खाली रहेगा क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी। जब तक लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते, हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो वो पहले किस में जाएंगे, BMO में जाएंगे, और पहले ये फिल होगा, उसके बाद ही वो एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ABMO में जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे नहीं जा रहा है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि आपके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। यहाँ पे आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, क्योंकि जो एक एस है हाइड्रोजन का, 1s, वो किससे कंबाइन किया है, 2pz से कॉम्बिनेशन किया। 1s किसके साथ कॉम्बिनेशन किया है, 2pz के साथ, ठीक है। ये दो, ये एक ऑर्बिटल और ये एक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन किए हैं। कौन से वाले, sp टाइप के, एक सिग्मा sp बनाया है और दूसरा सिग्मा स्टार sp बना है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो बाकी जितने प्रेजेंट हैं मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ। ये जो है दिस वन एंड दिस वन, ये एज इट इज हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिसमें नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में उपस्थित हैं। किस फॉर्म में उपस्थित है, नॉन बॉन्डिंग। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो मैंने आपको दिखा दिया है, BMO लिखा है और ABMO लिखा है, ये आपके कौन से हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है HF के। तो मैं ब्लू पेन से दिखा दे रही हूँ कि ये आपके कौन से हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप देख रहे हो कि दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई है, बाकी सब नॉन बॉन्डिंग हैं। और ये वाले जो हैं आपके, मैं इनको ग्रीन येलो पेन से कर देती हूँ, ये वाले जो शेल हैं आपके, बेसिकली ये वाले, ये आपके इनर शेल हैं। तो इसको आप बना बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रही हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और इसके लिए आप लिख सकते हो के डैश, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट लाइक दैट। ये के शेल, इसका अगर के है, ये के डैश है, तो बीच में के डैश होगा, ठीक है। तो ये अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपन, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे वहां पे। तो लेट अस सी, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दो हैं, आप देख सकते हो सिग्मा SPZ में दो हैं, तो दो हो गए, और नॉन बॉन्डिंग में जीरो ऊपर वाले में, तो 2 डिवाइड बाई 2 1, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। इसीलिए एच और एफ के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और ये डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पेयर्ड है। तो ये क्या होगा, डाया मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ये आपके कंप्लीट डिस्कशन है इसके। और अगर इसकी विन्यास देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप लिख सकते हो सिग्मा SPZ कॉमा सिग्मा SPZ स्टार, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें जीरो इलेक्ट्रॉन, ये इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। बाकी जितने भी ऑर्बिटल हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो हम उसको नहीं लिख सकते, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ये ही होगी, ठीक है। सो नाउ फिनिश विद दिस, इसमें कोई डाउट निकले तो आप पूछ सकते हो, या उसमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हो, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।